तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं मनदीप ब्लॉग्स। तो आज के वीडियो जो है वो कारपेंटर भाइयों के लिए बहुत ही काम की होने जा रही है, क्योंकि आज जो मैं वीडियो में टूल आपके सामने लेके आया हूं वो है कारपेंटर भाइयों के लिए जिग्सो। तो मेरे पास यहां ब्लैक एंड टाइगर ब्रांड के दो जिग्सो पड़े हैं, एक 65 mm साइज़ में और एक 85 mm साइज़ में। तो बॉक्स में से निकालते हैं पहले तो टूल्स को, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है और इनका प्राइस क्या है दोस्तों। और तब तक आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपका थैंक्स। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैं इनको निकालता हूँ बॉक्स से। तो दोस्तों, दोनों हमारे जिग्सो हमने निकाल लिए हैं। तो पहले तो मैं बात करूंगा इनके कैरिंग केस के बारे में, जो इनको कैरी करने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है। तो इनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, ये चीज़ बहुत बड़ी नहीं होती पर ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि जो ये हमारे टूल्स होते हैं, जब हम काम कर रहे हैं, काम करने के बाद इन टूल की केयर भी ज़रूरी है। तो ये जो कैरिंग बॉक्सेस हैं, ये इनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो हमारे टूल सेफ़ एंड सिक्योर इनमें रहते हैं। तो इनको मैं एक बार एक साइड पे कर देता हूँ। तो दोस्तों, जो पहले हमारे इस तरफ जो हम देख रहे हैं जिग्सो, ये 65 mm का जिग्सो है। तो आप देख सकते हैं इस तरफ आपको ब्लैक एंड टाइगर की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और दोस्तों, ये एलुमिनियम हेड के साथ जो है जिग्सो है, और यहाँ पे इसका ब्लेड जो है वो ऑपरेट होता है, और इसमें ये हमें ट्रिगर स्विच हमें यहाँ पे देखने को मिलता है बिल्कुल हैंडल ग्रिप के पास, और ये इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पे रेगुलेटर मिलता है। और ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे हम अगर इसका जो ट्रिगर है उसको लॉक करना चाहें तो यहाँ से हम उसके ट्रिगर को लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों, ये इसकी एडजस्टमेंट के लिए है, और यहाँ पे हमें इसका एक सेफ्टी कवर देखने को मिलता है। तो बात करें अगर इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो एल्युमिनियम हेड के साथ ये जिग्सो बना हुआ है, और यहाँ ये जो मटेरियल है ये प्लास्टिक का मटेरियल है, और ड्यूल कॉम्बिनेशन में ये हमें जिग्सो देखने को मिलता है। और हमारे चैनल पर दोस्तों ब्लैक एंड टाइगर ब्रांड के काफ़ी प्रोडक्ट्स के रिव्यू हैं, और ये बहुत ही बड़ी रेंज में काम करते हैं। इनके ड्रिल मशीन्स, एंगल कटर, मार्बल कटर और काफ़ी और टूल्स भी, इनके पावर टूल्स आते हैं, तो उसी में से ये जिग्सो है। और दोस्तों, बात करूँ इसमें 600 वॉट की हमें मोटर देखने को मिलती है, और विदाउट वर्किंग जो इसके ब्लेड का आरपीएम होता है वो 26,000। तो विदाउट यूज़ जो इसके ब्लेड का रनिंग ऑपरेशन में आरपीएम्स होते हैं वो 2600 आरपीएम पे इसका ब्लेड काम करता है दोस्तों। और अभी मैं बात करूं इसके प्राइस के बारे में, तो ये ब्लैक एंड टाइगर की तरफ से एंट्री लेवल जिग्सो है, तो इसका जो दोस्तों प्राइस है वो 2500 रुपया है, 2500 इसका प्राइस है। तो अभी बात करते हैं इस तरफ जो हमारे पास जिग्सो पड़ा है, ये भी ब्लैक एंड टाइगर ब्रांड का जिग्सो है, और ये प्रोफेशनल सीरीज़ में अगर आप हैवी ड्यूटी या ज़्यादा टाइम इससे काम लेना चाहते हैं तो ये उस लिहाज से बना हुआ जिग्सो है। अब बात करें इसके मोटर कैपेसिटी की, तो इसके जो मोटर की वॉटेज हैं दोस्तों वो 1000 वॉट की इसमें हमें मोटर देखने को मिलती है, और ये नो लोड पे 3000 आरपीएम पर मिनट पे ये काम करता है, रोटेशंस पर मिनट पे। और इसकी जो कटिंग डेप्थ है दोस्तों वो 80 mm की इसकी कटिंग डेप्थ है दोस्तों। और इसका भी उसी तरह ब्लैक एंड टाइगर का जो मैंने प्रोडक्ट्स का जितना भी रिव्यू किया है, तो बिल्ड क्वालिटी से या ये क्वालिटी से कोई किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो इसमें भी हमें यहाँ पे इस तरफ ये जो हेड है वो एल्युमिनियम का देखने को मिलता है। और दोस्तों, कुछ एडिशनल फीचर हैं इसमें से, और इसमें से एक तो इसका साइज़ इसमें से बड़ा है, ये 65 mm है और ये 85 mm है।
तो इसमें हमें लेज़र लाइट का ऑपरेशन भी देखने को मिलता है। यहाँ से ये स्विच है और लेज़र लाइट का ऑपरेशन भी हमें देखने को मिलता है, जिससे जो हमारी कटिंग होती है वो लेज़र लाइट की वजह से बिल्कुल स्ट्रेट ही चलती है। अब प्रोफेशनली अगर काम करना है तो मैं इस जिग्सो को रेकमेंड करूँगा। दूसरा, इसमें दोस्तों डस्ट के लिए भी, डस्ट वैक्यूम के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। अगर आप अपनी लोकेशन पे काम कर रहे हैं या कस्टमर की लोकेशन पे काम कर रहे हैं तो डस्ट का जो बूरा निकलता है उसका ध्यान रखने के लिए इसमें वैक्यूम का ऑपरेशन भी यहाँ पे दिया गया है। तो उसी के साथ दोस्तों ये यहाँ पे इसका ट्रिगर है और ट्रिगर में ही हमें स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्विच देखने को मिल जाता है, और इस तरफ इसका ट्रिगर लॉक करने का हमें स्विच मिलता है। तो उसी तरह से इसके साथ जो हमें एक्सेसरीज मिलती हैं, एक तो ब्लेड के लिए सेफ्टी कवर मिलता है और एक हमें ये डेप्थ गेज मिल जाती है इसके साथ, और कुछ एलन कीज हैं, और इसके लेज़र के लिए जो हमें दो बैटरीज, ट्रिपले बैटरीज हमें साथ में मिलती हैं। तो दोस्तों इसका जो प्राइस है वो 4500 इसका प्राइस है, 4500 रुपये इसका प्राइस है। और ये दोनों प्रोडक्ट गुडविल मशीन टूल्स लुधियाना में अवेलेबल हैं। अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं या अगर कोई आप डिटेल में इसकी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा गुडविल मशीन टूल्स के, आप वहाँ पे भी कॉल करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हम ब्लैक एंड टाइगर की जितनी डिटेल्ड रेंज है सभी पावर टूल्स की, वो एक एक करके आपके सामने इसी तरह वीडियो के रूप में आपको रिव्यू, डिटेल्ड रिव्यू देंगे विद प्राइजेज। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आप वीडियो पे अभी तक हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। तब तक तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन गुड बाय।